हमारे साथ जुड़े रहने के लिए करें इस पेज को लाइक और फॉलो। रजनीकांत एक ऐसा नाम है जिसकी पहचान उनका स्टाइल है। रजनीकांत अपने इसी अंदाज की वजह से पहले ही फिल्म से लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे। यही कारण है कि रजनीकांत के स्टाइल के लोग आज भी दीवाने हैं। फिर चाहे उनका हेयर स्टाइल हो, चलने का तरीका या फिर फाइटिंग का अंदाज, सिनेमा हॉल में लोग उनको देखने के लिए सांस रोके बैठे रहते हैं। साउथ सिनेमा के थलाइवा और बॉलीवुड के सुपरस्टार रजनीकांत एक ऐसे अभिनेता हैं जिनका जितना सम्मान साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में किया जाता है, उतना ही सम्मान बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी किया जाता है। रजनीकांत के एक्शन के बॉलीवुड सेलेब्स भी दीवाने हैं। रजनीकांत आज जिस मुकाम पर हैं, यहाँ तक आने के लिए रजनीकांत ने बहुत मेहनत की है। गरीबी से लेकर थलाइवा बनने तक का रजनीकांत का सफर काफी कठिन रहा है। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 में बैंगलोर में हुआ था। उनकी माँ का नाम रमाबाई और पिता का नाम रामोजी राव था। रजनीकांत के पिता बैंगलोर के पुलिस कांस्टेबल और माँ हाउसवाइफ थी। जब रजनीकांत 4 साल के थे तभी उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई। रजनीकांत अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। रजनीकांत ने कूली से लेकर कारपेंटर और बस कंडक्टर तक की नौकरी की, लेकिन उनका झुकाव हमेशा से फिल्मों की तरफ था। रजनीकांत जब बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस में बतौर बस कंडक्टर काम कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने कन्नड़ रंगमंच में भी काम शुरू किया। इसके बाद साल 1973 में वो मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट से जुड़े। 25 साल की उम्र में रजनीकांत ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। जिस फिल्म में उन्होंने सबसे पहले काम किया वो थी अपूर्वा रंगागल। हालांकि इस फिल्म में रजनीकांत लीड रोल में नहीं थे। इस फिल्म में रजनीकांत ने कमल हासन के साथ काम किया था। इसके बाद साल 1978 में रिलीज हुई तमिल फिल्म भैरवी में रजनीकांत को बतौर मुख्य अभिनेता काम करने का मौका मिला। रजनीकांत की पहली ही फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसके बाद रजनीकांत का करियर और जिंदगी पटरी पर आ गई। भैरवी के बाद रजनीकांत ने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी और देखते ही देखते रजनीकांत साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गए। साउथ में अपने कदम जमाने के बाद रजनीकांत ने बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ रुख किया। रजनीकांत ने बॉलीवुड में फिल्म अंधा कानून से डेब्यू किया। इसके बाद रजनीकांत ने कई सुपरहिट फिल्में दी। रजनीकांत हमेशा से स्टाइलिश हीरो रहे हैं। उनके फैंस को उनका स्टाइल ही सबसे ज्यादा भाता है, चाहे वो चश्मा पहनने का अंदाज हो, सिगरेट जलाना, कंधे पर स्टोल फ्लिप करना या कॉन्फिडेंस से भरी रजनीकांत की चाल। यही चीजें हैं जो रजनी को सबसे अलग बनाती हैं। रजनीकांत का स्लो मोशन। रजनीकांत ने स्लो मोशन का ट्रेंड सेट किया। उन्होंने साबित कर दिया कि हीरो की चाल अलग होनी चाहिए। रजनीकांत की हर भूमिका में स्टाइल और जोश देखने को मिलता है। वो कभी भी कमजोर व्यक्ति की भूमिका अदा नहीं करते हैं। फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट। रजनीकांत अपनी सिगरेट को अपने सिग्नेचर वॉक के साथ फ्लिप करते हैं। रजनीकांत को फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट ज्यादा पसंद है। रजनीकांत सिगरेट, जैकेट या तक की कंधे का स्टोल भी बिना फ्लिप के इस्तेमाल नहीं करते। रजनीकांत सनग्लास पहनने से पहले कई बार रोल करते हैं। ये उनका अलग अंदाज है। हमेशा एक ही हेयर स्टाइल। कहते हैं कि रजनीकांत को कभी अपने बाल संवारने के लिए कंघी की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो ज्यादातर अपने हाथों से अपने बालों को झाड़ लेते हैं। उनकी फिल्मों में हेयर स्टाइल कभी नहीं बदला गया, लेकिन सामान्य जिंदगी में रजनीकांत ने कभी भी अपनी सफेद दाढ़ी छुपाने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा पकी दाढ़ी में ही नजर आते हैं। रजनीकांत के वर्क फ्रंट की बात करें तो रजनीकांत जल्द ही फिल्म दरबार में नजर आएंगे। इस फिल्म में उन्होंने पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया है। रजनीकांत 27 साल बाद दोबारा पुलिस ऑफिसर के लुक में नजर आएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म दरबार में रजनीकांत डबल रोल में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।